तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं ना कि हम लोग ज्यादा कैंडिडेट्स को देखते नहीं है, जो पहले दो तीन आ गए वो सामने आके बैठ जाता है और हम लोग के क्वेश्चंस कुछ ऐसे रहते हैं, तो सेल्स तो आप कर ही लोगे, तो टारगेट वाइज तो आप अचीव कर ही लोगे, आपको क्लोजिंग करना तो आता ही होगा. This is what questions we ask because we want to hire them. We are desperate. We want to hire them. So first of all, avoid hiring someone when you are in need or when you are in hurry, when you are in desperation, because that is the time when we make biggest sin. और वो दो महीने के बाद reflect होता है. दो महीने के बाद ना वो sales लेके आता है ना उसको afford कर पाते हो. और फिर वो चालू होता है awkward conversation. देख यार. तेरे को भी पता है कंपनी का हालत कैसे है, तू सेल्स नहीं ला रहा है, मैं तेरे को नहीं रख पा रहा है, एंड देन ऑल दैट नेगेटिव. बट द रूट कॉज इज दैट इंटरव्यू, जब हमने उसको डेस्परेशन में हायर किया था, वी हायर द रॉन्ग पर्सन. तो ये इंटरव्यू का जो प्रोसेस है, दैट इज वी हैव अ सेपरेट मॉडल ऑन हायरिंग, बिकॉज इट्स वेरी क्रूशियल पार्ट, बिकॉज दिस इज द फाउंडेशन ऑफ योर सेल्स टीम. हम लोग बहुत बार इसको फटाफट घाई घाई में कर लेते हैं और फिर बाकी जगह पे फोकस करते हैं, बट अगर फाउंडेशनली अगर गलत कैंडिडेट हो गया तो इट्स वो बहुत बड़ा डैमेज लेके जा रहा है, नॉट जस्ट मॉनिटरी बट कल्चर वाइज. मॉनिटरी डैमेज यू कैन फुलफिल, मतलब पैसा फंड करके लाके वो मॉनिटरी को बैलेंस कर लेंगे, बट जो कल्चर स्पॉइल हो चुका है उसको रिपेयर करने को बहुत टाइम चला जाएगा. And that is why this interview process is very important.